जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। जब से बुलेट 350 लॉन्च हुई है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉयल एनफील्ड ने शायद अपना ही कुछ नुकसान कर लिया। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से भाई एक तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि बुलेट 350 और क्लासिक 350 लगभग सेम ही है। अगर हम टैंक के लोगों की बात ना करें, डिज़ाइन और तो उसका इंजन वगैरह अगर देखें तो सब कुछ सेम ही है। सीट वगैरह में थोड़ा चेंज दिया गया है। ओवरऑल 80 to 85-90% जो बाइक है वो लगभग सेम ही है। लेकिन दोस्तों, क्लासिक 350 और बुलेट 350 के प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिक 350 के बेस वेरियंट की, और यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत में आने वाली है क्लासिक बाइक। इसके अलावा दोस्तों हायर वेरिएंट भी है, लेकिन उनकी मैं बात इतनी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। लेकिन मैं बात करता हूँ बेस वेरिएंट की। देखिए, अगर मैं क्लासिक की बात करूँ तो उसमें सिंगल चैनल ABS, सिंगल डिस्क ब्रेक आता है। अगर मैं बुलेट 350 के बेस मॉडल की बात करूँ तो उसमें भी सिंगल चैनल ABS, सिंगल डिस्क ब्रेक आता है। साथ ही साथ दोनों बाइकों का इंजन बिल्कुल सेम है, टायर साइज बिल्कुल सेम है, टैंक डिजाइन बिल्कुल सेम है, उसका जो सेमी डिजिटल मीटर है वो भी बिल्कुल सेम है। ओवरऑल बाइक बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इनकी कीमत में फर्क है वो लगभग 19,000 रुपये का है एक्स शोरूम कीमत में। क्लासिक 350 की जहां पर एक्स शोरूम कीमत है 1,93,000 रुपीज की, वहीं पर बुलेट की एक्स शोरूम कीमत है 1,74,000 रुपीज की। तो ये 19,000 रुपये चीपर है, जो कि आपको ऑन रोड कीमत में जाते जाते लगभग 24-25 हज़ार रुपये की फर्क आ जाएगा। अब ये फर्क क्यों है, इसका कोई रीजन समझ नहीं आता, और क्यों कोई व्यक्ति बुलेट को छोड़ के क्लासिक लेगा इसका भी कोई रीजन समझ नहीं आता, जबकि कोई दोनों में इतना कोई फर्क नहीं है। हाँ, जहां तक अगर किसी भाई को मेरे क्लासिक 350 का डार्क एडिशन चाहिए, क्लासिक 350 का सिग्नल्स कलर चाहिए, तो वो समझ में आता है कि भाई वो कलर अलग है उसमें, और डार्क एडिशन में एलोई व्हील्स वगैरह ऐड किए हैं। लेकिन बेस मॉडल में इतना ज्यादा फर्क देना, मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड अपना ही शायद नुकसान ना कर ले। और अगर कोई भी मेरा भाई क्लासिक 350 को लेने की सोच रहा है बेस मॉडल को, तो एक बार वो बुलेट 350 का बेस मॉडल भी जरूर से देखे, क्योंकि बुलेट 350 का बेस मॉडल ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपके पैसे की बचत है वहां पर, जबकि चीज आपको दोनों में सेम ही मिल रही है। तो दोस्तों, दिमाग का अपना थोड़ा इस्तेमाल करो, और आप अगर बेस मॉडल क्लासिक का खरीदना चाहते हैं तो बुलेट 350 का बेस मॉडल खरीदो, ना कि क्लासिक 350 का। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी। आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करो, ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ पहुँच सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।